आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा था सातवां समन, ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो ये बड़ी जानकारी, शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल सातवें समन पर भी पेश नहीं होने वाले, ये साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा था सातवां समन, ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो ये बड़ी जानकारी, शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल सातवें समन पर भी पेश नहीं होने वाले, ये साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा था सातवां समन, ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो ये बड़ी जानकारी, शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल सातवें समन पर भी पेश नहीं होने वाले, ये साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा था सातवां समन, ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो ये बड़ी जानकारी, शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल सातवें समन पर भी पेश नहीं होने वाले, ये साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी